हेलो भाई लोग नमस्कार। आइए मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज बात करने वाले इंडिया वुमेन और इंग्लैंड वुमेन का जो सेकंड T20 मैच होना है इसका अपन प्रेडिक्शन करने वाले। कौन से ट्रंप प्लेयर रहना चाहिए, कौन से यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन रहना चाहिए, क्या इसमें भी इंडिया वुमेन हारने वाली है, सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन से भाई आपको यूनिक ट्रंप कैप्टन वाइस कैप्टन लेना है, कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप करना है, कौन से खिलाड़ी को भाई आपको फ्लॉप रहने वाले हैं, तो ये सब चीज मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पिच रिपोर्ट पे ये मैच होने वाला है। तो मेरे भाई बानखेड़े मुंबई स्टेडियम में ये मैच होने वाला है, ठीक है भाई, बानखेड़े मुंबई में ये मैच है। चलिए इसके बाद अगर बात कर ली जाए स्पिनर्स को यहाँ पर सहायता मिलने वाली है। बस मैं आपको क्लियर बता दूं ये पिच बानखेड़े पिच में रन अच्छे खासे बनते हैं और यहाँ पर पेसर्स को सहायता मिलती है। आप बोलोगे फिर स्पिनर्स क्यों लेकर आए यहाँ पर, तो देखिए सबसे मेन डिपेंड करता है टॉस के बारे में कि जब टॉस होता है जब डिसाइड होती है कि कौन सी पिच रिपोर्ट रहने वाली है, कौन सी पे भाई पेसर चलने वाले हैं, कौन सी पे स्पिनर चलने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, वहां पर आपको भाई पता चलेगा टॉस के टाइम पे कौन सी पिच रिपोर्ट रहने वाली, किस तरीके से आपको करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम को, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर देखिए बैटिंग पिच रहने वाली है। अगर बात कर ली जाए मौसम की, वेदर फोरकास्टिंग की थी, ओवरकास्ट रहने वाला है। अभी कौन से प्लेयर 22 के 22 प्लेयरों के बारे में आपको कॉम्बिनेशन बनाकर दूंगा और ट्रंप प्लेयर और यूनिक टीम आपको बनाकर दो टीम में आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना है और चीजों को अच्छे से एक एक चीज को समझना है। क्योंकि ग्रैंड लीग में जो कॉम्पिटिशन है ना भाई, वहां पर अगर आपको भाई विनिंग करनी, ग्रैंड लीग लानी है, टॉप 10 रैंक लानी है, तो उसके लिए थोड़ी सी तो मेहनत करना ही पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए एवरेज रन बोल रहा है 138 है। अब डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम पहले खेलने वाली है, तो कम इतने रन आराम से बन सकते हैं बानखेड़े की पिच पे। अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर टोटल विकेट है 67 विकेट गए। पेसर्स को यहाँ पर भैया अभी तक कितने 26 यहाँ पर विकेट गए, जिसे स्पिनर्स को 41 मिले हैं और 26 किसको पेसर्स को मिले हैं, ठीक है। ध्यान रखना पिच चेंज हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद अगर बात कर ली जाए बॉलिंग फर्स्ट में ये 100% जो भी अगर टॉस जीतती है तो यहाँ पर बॉलिंग परसेंट के चांसेस रहते हैं। अगर बात कर ली जाए अभी हाल ही के मैच रिकॉर्ड की, तो इसमें टॉप प्लेयर एडवेन्यू जिसे बोला जाता है नताली सीवर ने चला रहा है, डेनली वाटर, शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह है, सोफी सेल्टर, चार्ल डेन है। तो देखिए सबसे पहले मैं सीधे आपको बताऊंगा यहाँ पर अगर बात कर लिया रिकॉर्ड की, तो इंग्लैंड का भैया पलड़ा हमेशा भारी रहा है। अब देखिए सपन सीधे आते हैं सबसे पहले मैच पे कि भाई कॉम्बिनेशन रहने कैसे वाले, ये वीडियो सबसे यूनिक रहने वाली है भाई लोग जो मेरे को फॉलो करते हो, जो नया भाई भी है ना, सबसे अलग हटके ये वीडियो। अब देखो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन रहने वाला है ना, आपको क्या रखना है आपको कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर आपको इंग्लैंड से एमी जोन्स लेना है। ध्यान रखना पहले मैं आपको ट्रंप प्लेयर बता रहा हूँ, जो ट्रंप प्लेयर बिल्कुल हो सकते हैं इंग्लैंड से। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर जो प्लेयर चलने वाला है रॉड्रिगस को ले लेना, साथ में अगर एक प्लेयर की बात करें हैदर नाइट को आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें स्पिनर से तो कल भाई दीप्ति शर्मा को ले लेना, ये है ना खिलाड़ी कल भाई फोड़ने वाली है दीप्ति शर्मा। अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको ट्रंप प्लेयर बता रहा हूँ सुपर वाले जो चलने वाले हैं, और एक ये एलिस कैप्सी को ले लेना, तो ये प्लेयर हो गए। चलिए इसके बाद अगर बात कर ले बॉलिंग सेक्शन से जो आपके ट्रंप प्लेयर रहने वाले, तो यहाँ पे देखो सराह ग्लेन को ले लेना, सेल्टन हो गए। इसके बाद अगर बात कर ली जाए ना मेघना गौर हो गया और एस पाटिल हो गया, तो दूसरा ले लेना भैया किसको, पाटिल को, श्रेयंका पाटिल। तो ये देखो आपके सामने मैंने ये ट्रंप प्लेयर दे दीजिए। इसके बाद मैं आपको कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूँ और साथ में यहाँ पर टीम देने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो आपके ट्रंप प्लेयर आ चुके हैं, सबसे पहले मैंने आपको ट्रंप प्लेयर दिए, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं एमी जोन्स को विकेट कीपर सेक्शन से लिया, और जो भी अपडेट होगा ना वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। रॉड्रिगस हो गया, हैदर नाइट हो गया, एलिस कैप्सी हो गया, दीप्ति शर्मा हो गई, और यह सराह ग्लेन हो गया, और श्रेयंका पाटिल हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बनाते हैं अपन टीम। अगर टीम की बात कर ली जाए तो टीम का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है, तो देखिए सबसे पहले अपन चलते हैं विकेट कीपर सेक्शन से। अब देखिए यहां पर अगर बात कर ली जाए और किस तरीके से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात कर ले तो यहां पर मैं लेने वाला हूं विकेट कीपर सेक्शन से ऋचा घोष को लेने वाला हूं हाईएस्ट परसेंट, क्योंकि ध्यान रखना 3 से 4 खिलाड़ी आपको रिस्की प्लेयर लेना पड़ते हैं,
वो मैं अभी सब बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको रिस्की प्लेयर लेना है, किस प्लेयर को आपको भैया कैप्टन वाइस कैप्टन लेना है। तो देखिए भाई, उससे पहले आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाजी, स्पोर्ट्स बाजी पर डिपॉजिट ऑफर चल रहा है बर्क 100 का, बर्क 500 कोड का यूज करो और ग्रैंड लीग के लिए भाई डिपॉजिट ऑफर में एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है। साथ में यहाँ पर कबड्डी खेल कर भी भाई आपको डेली एक्स्ट्रा कैशबैक मिल रहा है। और बात कर ले यहाँ पर मेगा ग्रैंड लीग खेल सकते हैं, तो भाई 1,00,000 का यहाँ पर मेगा ग्रैंड लीग रहने वाला है। इतने सारे फीचर ओनली ऑन स्पोर्ट्स बाजी पर मिलेंगे, तो इतनी आसान विनिंग ओनली ऑन स्पोर्ट्स बाजी पर। तो सोचना क्या है मेरे प्यारे भाइयों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, जल्दी जल्दी जाकर स्पोर्ट्स बाजी को डाउनलोड करो और विनिंग करो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया रिचा घोष को, चलिए अगर बात कर लिया तो मैंने यहाँ पर हरलीन कौर को ले लिया। इसके बाद अगर बात कर ली मैंने हैदर नाइट को लिया, और तीसरा प्लेयर मैंने ले लिया सोफिया डंगली को ले लिया, डायनावाट हो गई। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर मैं एलिस कैप्सी को लेने वाला हूँ, दूसरा प्लेयर यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ फ्रेया कैंप को, ये तीसरा प्लेयर की अगर बात करें तो नताली सीवर ब्रंट हो गया। तो ये देखो आपके सामने ये टीम बन के आ चुकी। अब आप कॉम्बिनेशन मिला हो, रिचा घोष हो गई, हरलीन कौर हो गई। चलिए अगर बात कर ले तो यहाँ पर अपन लेने वाले दीप्ति शर्मा। तो देखो मैं अगर बात करूंगा तो दीप्ति शर्मा को यहाँ पर ड्रॉप करूंगा, और जो एक प्लेयर लूंगा ना मैं स्मृति मंधाना को यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो ये देखो आपके सामने ये यूनिट टीम बन के आई है। चलिए इसके बाद अगर बात कर ले तो बॉलिंग सेक्शन पे चलते हैं। बॉलिंग सेक्शन पे जो प्लेयर मैं लेने वाला हूँ तो यहाँ पर देखो सोफिया सेल्टन को लेने वाला हूँ। इसके बाद अगर बात करें श्रेय पाटिल हो गए, एम गौर हो गई, और देखिए तीसरे प्लेयर की अगर बात कर ले साइका ईश्वर को और रेणुका की, तो रेणुका सिंह ठाकुर की अगर बात कर ले। इसके बाद अगर बात कर ले तो देखो एक प्लेयर यहाँ पर है कनिका आहूजा। तो यहाँ पर जो प्लेयर लेने वाला हूँ ना, यहाँ पर देखिए सबसे पहले श्रेयंका पाटिल हो गई, इसके बाद देखो अब ये प्लेयर तो अभी खेल ही रहा, अब देखिए लुकवेयर हो गया सारा ग्लेन। तो यहाँ पर जो प्लेयर लेने वाला हूँ ना मैं, एक तो रेणुका ठाकुर को लेने वाला हूँ, और दूसरा प्लेयर जो लेने वाला हूँ तो भाई यहाँ पर लेने वाला हूँ देखिए बाटस्कर हो गया। इसके बाद अगर बात कर लीजिए ये देखिए, तो ये देखो आपके सामने एक यूनिक टीम बन के आ चुकी है। अब इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे आपको चूज करना है तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ रिस्की प्लेयर क्या होता है, अनरिस्की प्लेयर क्या होता है। देखिए काफी भाइयों को नहीं पता होता रिस्की प्लेयर, अगर बात करिए रिस्की प्लेयर की तो यहाँ पर देखिए बाटस्कर क्या रिस्की प्लेयर रहने वाली है। इसके बाद देखो सोफिया डंकली है ना, ये रिस्की प्लेयर रहने वाली है। इनको क्या है ना भाई, कोई लेना नहीं चाहता, बस अपन को ऐसी यूनिक टीम लेना है जो रिस्की प्लेयर सबसे अलग हटके हों। तो ये देखिए दो प्लेयर ऐसे हैं। अब मैं एवरेज परफॉर्मर में बात बताऊं ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेया कैंप है, और दूसरा अगर बात कर लिया ना एल एस्केप से, तो ये चार प्लेयर ऐसे हैं इनको काफी कम लोग लेंगे। अगर आप ग्रैंड लीग खेलना है तो इन चार प्लेयरों को आपको रिस्क लेके चलना पड़ेगा, ट्रम्प प्लेयर आपको यूज करना है। और अगर बात कर ले स्मॉल लीग की, तो स्मॉल लीग में आप इन दो प्लेयरों को हटा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको टीम बनाना पड़ेगी, पूरी यूनिक टीम। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और चीजों को अच्छे से समझना है। चलिए इसके बाद अगर बात कर ले तो देखिए, अब मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊंगा। सेफ प्लेयर में रिचा घोष है, स्मृति मंधाना, हरलीन कौर हो गया, वाटस्कर हो गया, इसके बाद देखो नताली सिवर ब्रंट हो गया, इसके बाद रेणुका हो गया, सेल्टन हो गया। तो ये आपके इनमें सेफ प्लेयर थे। चलिए इसके बाद अगर बात कर लें तो देखिए नेक्स्ट पर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लूं, तो यहाँ पर देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात कर लें तो देखिए हैदर नाइट की अगर बात कर लें तो इनको आप वाइस कैप्टन ले सकते हो, इनको क्या वाइस कैप्टन, और एलिस कैप्सी को यहाँ पर कैप्टन ले सकते हो। तो ये एक आपकी सुपर परफॉर्मर टीम आ गई, टीम नंबर एक, जिसमें आपने हैदर नाइट को वाइस कैप्टन ले लिया, एलिस कैप्सी को कैप्टन ले लिया। तो एक ये तरीका हो गया आपका टीम बनने का, जिसमें रिचा घोष भी है, स्मृति मंधाना, हरलीन कौर हो गया, इसके बाद सोफिया डंकली, फ्रेया कैंप हो गया, नताली सीवर ब्रंट हो गया, बाटस्कर हो गया, सेल्टन हो गया, और रेणुका ठाकुर हो गई। क्लियर? चलिए इसके बाद आप देखो इसी चीज में आपको क्या अपडेट कर सकते हैं। अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर ली जाए तो देखिए फ्रेया कैंप को इसमें आप बना सकते हो वाइस कैप्टन, क्या बना सकते हो वाइस कैप्टन। चलिए हरलीन कौर हो गई, स्मृति मंधाना हो गई, रिचा घोष हो गया, तो यहाँ पे हरलीन कौर को आप कैप्टन रख लीजिए, क्या रख लीजिए कैप्टन। तो एक टीम आपकी ये बन के आ चुकी है। तो इसी कॉम्बिनेशन से आप क्या काफी ग्रैंड लीग बना सकते हो, क्योंकि ग्रैंड लीग में इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन सेट करना है, अगर एक टीम ने चल रही तो दूसरी टीम आपको भाई ग्रैंड लीग दे जाए। तो देखिए रिचा घोष, हरलीन को आपने कैप्टन ले लिया, स्मृति मंधाना, हैदर नाइट, सोफिया डंगली, वाइस कैप्टन आपने क्या लिया फ्रेया कैंप को ले लिया, रेणुका हुआ, सेल्टन हुआ, नेताली सरोन, बाटस्कर हो गया, एलएस कैप्सी हो गया। चलिए इसके बाद अगर बात कर ले तो यहाँ पर मैं अब आपको दूसरी टीम बनाने वाला हूँ। तो ये तो अपना कॉम्बिनेशन बन गया, चलिए इसको अपन सेव करते हैं। तो ये अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन ने किसको बनाया था,
यहाँ पर देखिए एक हो गया अपना हैदरनाइट और हो गया एलेक्स कैप्सी। तो ये देखो इस टीम को सेव करके दूसरी टीम को अपन क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर अगर बात कर ले तो मैं एमी जोन्स को लेने वाला हूँ इंग्लैंड से। बैटिंग सेक्शन की अगर बात कर ले तो मैं यहाँ पर डायना वॉट को लूंगा, इसके बाद मैं शेफाली वर्मा को लेने वाला हूँ, तीसरा प्लेयर मैं रॉड्रिगस को लेने वाला हूँ। चलिए इसके बाद अगर बात कर ले ऑलराउंडर सेक्शन से तो देखो यहाँ पर मैं दीप्ति को लूंगा, नताली सीवरब्रांड होगा, फ्रेया कैंप होगा, यहाँ पर कनिका आहूजा को लेने वाला हूँ। चलिए इसके बाद अगर बात कर ले तो अब किसको लेना चाहिए तो देखिए नताली सीवरब्रांड को चलते हैं अपन बॉलिंग सेक्शन पे। बॉलिंग सेक्शन पे सारा ग्लेन को लूंगा। इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे देखो लॉरेन वेल की बात कर ले तो लॉरेन वेल है ना कल एक विकेट तो ले सकती है कम से कम, तो देखिए लॉरेन वेल को लिया। अब आगे बढ़ते हैं सोफिया सेल्टन हो गई और तीसरे प्लेयर को जो लेने वाला हूँ ना भाई तो यहाँ पर श्रेयंका पाटिल है और दूसरी प्लेयर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे साइका यहाँ पे ईशा किऊ है। तो देखिए साइका ईशा किऊ की अगर बात कर ली जाए तो ये देखो आपके सामने टीम बन के आ चुकी है, रॉड्रिगस, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, आहूजा हो गई। तो देखिए दूसरे नंबर की टीम ये आपके सामने आ चुकी। अब बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो देखिए सबसे पहले अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लें तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन में आप सारा ग्लेन को ले सकते हो कैप्टन, क्या ले सकते हो सारा ग्लेन को कैप्टन ले सकते हो। और वाइस कैप्टन आपको लेना है ना मेरे प्यारे भाई तो शेफाली शर्मा और रॉड्रिगस दोनों में से एक वाइस कैप्टन कैप्टन बन सकता है, यहाँ पर मैं आपको बना के बता देता हूँ। तो देखिए रॉड्रिगस हो गया ये देखिए भाई। इसके बाद अगर बात कर ले रॉड्रिगस को वाइस कैप्टन ले लिया और सारा ग्लेन को कैप्टन, तो शेफाली वर्मा, डायना वॉट हो गया, एमी जोन्स हो गया, दीप्ति शर्मा हो गया, फ्रेया कैंप हो गया, कनिका आहूजा हो गया, यहाँ पे ईशा हो गया, इसके बाद सारा ग्लेन का कैप्टन ले लिया है, लॉरेन वेल हो गया, सेल्टन हो गया। क्लियर मेरे प्यारे भाई। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन रख के टीम बनानी है। अगर आपको और किसी टीम पे लेना है तो चलिए इसमें इसी में मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। ट्रंप प्लेयर का तो यूज करना ही है। इस यहाँ पर अगर चेंज करना है ना तो यहाँ पर आप कर सकते हो वाइस कैप्टन शेफाली वर्मा को ले सकते हो, नहीं तो कैप्टन शेफाली वर्मा को ले लो। और वाइस कैप्टन में अगर आप चाहते हो ना सराग लेन हो गया, इसके लॉरेन वेल हो गया, कहने का आहूजा हो गई। इसके बाद अगर बात करें तो एक प्लेयर की लॉरेन वेल की बात कर ले तो ये देखो आपके सामने एक टीम ये बन सकती है। तो इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है। और स्मॉल लीग का तो भाई बहुत सरल होता है, तो सबसे मेन अपना फोकस रहता है ग्रैंड लीग पे, उसी को अपन विनिंग करते हैं। तो शेफाली वर्मा कैप्टन, एमी जोन्स हो गए, डायना वॉट हो गए, रॉड्रिगस हो गए, फ्रेया कैंप, दीप्ति शर्मा, कनिका आहूजा, और तो अगर बात कर लिए वाइस कैप्टन लॉरेन वेल, सारा ग्लेन, सेल्टन और ईसगी। तो ये देखो आपके सामने भाई टीम बन के आ चुकी है। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो आसानी से बता सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये देखो भाई फाइनल टीम आपको जो भी अपडेट होता है जो भी चेंज होता है वो आपको कहां पर मिलता है भाई, टेलीग्राम पे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लो। और मेरे भाई कोई भी डाउट है कोई भी क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से आपको क्या है सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपके साथ काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर ग्रैंड लीग विनिंग करना चाहते हो केवल फ्री में तो आपके भाई ने काफी ग्रैंड लीग विनिंग कराई, पूरे प्रूफ टेलीग्राम पर डाले हुए हैं। तो सोचना क्या है जल्दी जल्दी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसने अभी तक स्पोर्ट्स वाजी को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लो, क्योंकि इससे अच्छी विनिंग कहीं पर नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।